नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से मात्र एस लेटर की हेल्प से बहुत ही खूबसूरत सा रोज फ्लावर बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, पहले आपको एक यहाँ पर एस लेटर इस तरह लिखना होगा। एस लेटर लिख दीजिएगा, फिर आपको इसको अंदर की तरफ यहाँ पर ऐसे घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद दोस्तों, जस्ट ऊपर में ही आपको एक इस तरह सिक्स नंबर लिख दीजिएगा। सिक्स नंबर लिखने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा। एक छोटी सी लाइन आप इधर ऐसे बना देंगे। लाइन को बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक गुलाब की पंखुड़ी बनाना होगा। यहाँ तक ऐसे बनाइएगा। फिर आपको इधर से इस एस वाले पोर्शन को यहाँ पर मिलाना होगा। मिलाने के बाद आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आपको दोस्तों इसको भी ऐसे मिलाना होगा। फिर एक गुलाब की पंखुड़ी आप इधर ऐसे बना दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। अब आपको एक गुलाब की पंखुड़ी नीचे के साइड में इधर बनाना होगा। देखिएगा, इसको नीचे की तरफ इस तरह ले जाइएगा। फिर हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए हम यहाँ पर मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक गुलाब की पंखुड़ी आपको इस तरह करना होगा। यहाँ पर ले जाइए, इधर मिलाइएगा। फिर दोस्तों, एक आप गुलाब की पंखुड़ी इधर भी ऐसे बना दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ऊपर के साइड में भी कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ बनाना, तो आप इधर भी ऐसे बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाते जाइएगा। फिर आपको नीचे के साइड में देखिएगा, इधर से पतली पतली कुछ पत्तियाँ बनाना होगा। यहाँ पर बनाइए, फिर नीचे की तरफ इसको आप ऐसे बढ़ाइएगा, इधर ऐसे बढ़ाइए। फिर एक बार और आपको कुछ बहुत ही पतली पतली गुलाब की पत्तियाँ यहाँ पर बनाना होगा। आगे के सिरे पर भी कुछ गुलाब की पत्तियाँ आपको बनाना होगा। और आज हम आपको इस गुलाब को पेंसिल की हेल्प से शेड भी देना सिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको हम पेंसिल की हेल्प से शेड भी देना सीख लेते हैं।